ये काम कर लिया तो आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच आवर्स आपको झट से मिल जाएगा। दोस्तों न जाने आप लोगों ने भी कितने ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें इसी तरीके की बातें लिखी रहती हैं। थंबनेल पे आप देखोगे तो एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाएगा, आप ये कर लो वो कर लो, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आते रहती हैं और आप लोग देख के अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो इन सभी वीडियोस के पीछे। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि क्या ये सब सच है ये वीडियोस, और क्या क्या करना चाहिए कि आप लोगों का जो वीडियोस है वो रैंक करे। क्या ऐसा कोई फिक्स तरीका है कि नहीं है, या फिर लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं और एक ही तरीके को बार बार बनाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो हेलो YouTube, व्हाट्स अप। सो आज है संडे और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हर संडे आप लोगों को एक वीडियो देखने को जरूर से मिल जाया करेंगी, सो आज मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सबसे पहले 3 सब्सक्राइबर का थैंक यू कहना चाहूंगा। दिल से धन्यवाद यार आप लोगों को, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं मुझे, ठीक है। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, आप लोग मेरे चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। बिकॉज ये मैं अपने फेसबुक वॉल पे नहीं शेयर करता हूं, बिकॉज मैंने अभी किसी को बताया नहीं है कि मैं एक सेकेंडरी यूट्यूब चैनल चला रहा हूं। और ये मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, बिकॉज मेरे अंदर भी वो इनसिक्योरिटी है यार कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चलिए गेटिंग बैक टू द टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी ऐसी जो कि हर एक नया यूट्यूबर देखेगा ही देखेगा, कि मतलब अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरी की जाए और 4000 घंटे का जो हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वॉच आवर्स चाहिए हमारे चैनल को, वो कैसे पूरा किया जाए। तो इसके लिए आप देखेंगे कि हर एक महीने हर एक दिन एक नई नई वीडियोस डाली जाती हैं और उसमें अलग अलग तरीके के नुस्खे दिए जाते हैं। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा जो भी नए यूट्यूबर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, 3-4 चीजें ही हैं जो कि आप लोगों को करना है अपने वीडियोस में ताकि आप लोगों का वीडियो जो है वो रैंक करे, वो मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जितने भी आप लोग थंबनेल देखते हैं ना कि ये कर लो तो ये हो जाएगा वो कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता यार। अगर मान लीजिए ऐसा ही होता तो कोई भी श्योर शॉट किसी का भी चैनल एक दिन में मोनेटाइज हो सकता था। ये लोग अपने चैनल पे और व्यूज लाने के लिए यही सब तरीके अपनाते हैं और नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं, और जो मतलब जेन्युइनली जिनके पास ज्यादा समय नहीं है और जो इस चीज को एज अ हॉबी करना चाहते हैं, वो लोग इसी तरीके के वीडियोस देख के ट्रैप में फंसते जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाता है उनका। तो नए यूट्यूबर्स जो हैं वो पूरे पूरे दिन इसी चीज को देखते रह जाएंगे। अगर मेरी बात करें तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखा और ट्रस्ट मी उन सारे वीडियोस का कंक्लूजन यही है, मैं आप लोगों को यही बताता हूं कि 3-4 चीजें हैं जो कि सारे वीडियोस में इधर उधर किसी तरीके से घुमा फिरा के वही 4 चीज बताते हैं वो लोग, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि YouTube का क्या फिक्स तरीका, और YouTube का जो एल्गोरिथम है उसका कोई फिक्स तरीका नहीं है कि आप ये कर लो तो आपका वीडियो रैंक कर जाएगा। कितने सारे वीडियोज है यार YouTube पे पर डे डाली जाती है, अगर कोई फिक्स तरीका रहता तो सभी के सभी टॉप पे चले जाते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए जितना कुछ मैंने अभी तक देखा है, मेरे 2 YouTube चैनल हैं और एक पे अभी फिलहाल के टाइम पे 208 सब्सक्राइबर्स है, और अभी ये जो है इसमें 5 सब्सक्राइबर्स है ऑल टुगेदर, इसमें मैंने अभी तक यही चीज देखा है। और बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो को अगर मैं देखूं कि वो लोग किस तरीके के वीडियो बनाते हैं, तो सारे वीडियोस का अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो उसमें एक ही चीज आता है कि 4 चीजें हैं जो आपको हर वीडियोस पे आपको करनी ही करनी है। और यही चीज बहुत पहले से चली आ रही है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि कुछ नया बताता है, आउट ऑफ द बॉक्स बताता है, वही चीजें आज तक रिपीट हुए जा रही हैं और यही चीज सारे यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो इतने सारे वीडियोस को देख के अपना टाइम किल करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं जिनका कोई भी सर पैर नहीं होता है, मतलब वो एक ही चीज को घुमा फिरा के बोल रहे होते हैं, ठीक है। आपको हर एक वीडियो में उनके यही चीज देखने को मिलेगा कि मतलब जो चीज ऑलरेडी दिया हुआ है यूट्यूब पे वही चीज वो दोबारा बनाएंगे, और उसी वीडियो को, जैसे मान लीजिए अभी मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ, इसी वीडियो को फिर एक नया वीडियो बनाएंगे और उसमें घुमा फिरा के चीजें देते रहेंगे। सो गाइज, जो आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, इसका कंक्लूजन एक ही है कि आपको 5 चीजें 4-5 चीजों का ध्यान देना है। वो 4-5 चीजें क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला है टाइटल ऑफ द वीडियो, दूसरा है आपका डिस्क्रिप्शन जो आप लोग देते हैं वीडियो के नीचे, ठीक है। तीसरा
चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है वो है टैग्स, और चौथा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका थंबनेल, और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंटेंट, वीडियो का कंटेंट क्या है। देखिए सबसे पहला चीज क्या है, मान लीजिए अगर आप लोगों को कोई वीडियो बनाना है, आप लोगों ने उसके लिए टाइटल सोच लिया है, ठीक है, उस टाइटल को आप लोग सर्च कीजिए YouTube के बॉक्स में, सर्च बॉक्स में, वहां पे आप जब सर्च करेंगे तो आपको कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब वहां पे जो सबसे जिसका सबसे ज्यादा व्यू है, आप लोगों को उस चैनल का मतलब उस वीडियो का आप लोगों को टाइटल देखना है कि उसका टाइटल क्या रखा हुआ है, और उसी से मिलता जुलता कुछ अपने अपना ही वीडियो का टाइटल रखना है, ठीक है। और दूसरा चीज है आपको थंबनेल देखना है, थंबनेल जो उसने जैसा थंबनेल बनाया है जिसका सबसे ज्यादा व्यू है उसका जैसा थंबनेल है, आपको उससे हट के कुछ अलग और बहुत ही कैप्टिवेटिंग, ठीक है, वो आपको थंबनेल अपना अपने वीडियो का लगाना है, ठीक है। तीसरा चीज है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी बहुत जरूरी है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग वही लिखिए जो कि आप लोगों ने अपने वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि वो कीवर्ड एज अ कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, और वही सारे कीवर्ड्स जो आप लोग सर्च करके देख रहे हैं सर्च बॉक्स में, जो मैंने आप लोगों को बोला जिससे लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने सर्च किया हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, ये अगर आप लोग सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं तो यूट्यूब आपको सजेशंस देता है ऊपर में ही, ठीक है, तीन चार वीडियो का सजेशन आपको आता है, आप वो सबको एज अ कीवर्ड और एज टैग्स आप लोग यूज कीजिए, ठीक है। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है जो कि सभी बोलेंगे वो है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना तो आपको लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो उन्हें दूसरा आपका वीडियो देखना ही रहेगा। तो आपको इन सभी चीजों पे थोड़ा कम ध्यान देना है, और सबसे ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को कंटेंट पे। अब ये सब चीज भूल जाइए कि आप लोगों को इतना सारा वीडियोस देखने की जरूरत है, आप लोग देख रहे हैं पूरा पूरा दिन लग जाता है यार। अगर मैं सच्ची बात कहूं, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मेरे अभी दो चैनल्स हैं, एक पे अभी 208 सब्सक्राइबर्स हैं और इस चैनल का तो आप देख ही रहे हैं 5 सब्सक्राइबर्स हुए हैं मेरे अभी, तो मैंने पूरा पूरा दिन इस चीज में दे दिया है। लेकिन जो कंक्लूजन है वो यही आया कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है, दूसरे का वीडियोस बार 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 हम लोग देखते हैं और वो घुमा फिरा के एक ही चीज को वो लोग डिस्कस किए रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। सो गाइज, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी एक चैनल को पकड़ो और उसे सब्सक्राइब करके रखो, और सिमिलर कंटेंट मतलब सिमिलर टाइटल वाले कंटेंट को देखना बंद करो। जैसे आप लोगों ने देख लिया कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे कैसे मिल सकते हैं, ये आप लोगों ने एक वीडियो में देख लिया, अब उसी के चक्कर में आप लोग और वीडियोज अगर देखते जाते हो तो ये आपका टाइम किल होगा, बिकॉज बाकी सारे वीडियोज में भी आपको सेम चीजें ही देखने को मिलेंगी, बिकॉज जितने भी यूट्यूबर्स है वो यही चीज को घुमा फिरा के कहते रहते हैं लगाते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास भी एक्सपीरियंस है, वो लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें हैं, जो फैक्ट वाली चीजें हैं, वो इनिशियल स्टेज में यही आप कर सकते हैं कि अपने कंटेंट पे ध्यान दें। अगर आपका वीडियो कंटेंट अच्छा है और आपके वीडियो पे टाइम ड्यूरेशन ज्यादा मिल रहा है, वॉच आवर्स ज्यादा मिल रहा है, तो आपका कंटेंट या आपका वीडियो जरूर से रैंक करेगा ऊपर, ठीक है। तो अपने कंटेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, और थंबनेल वगैरह मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एक और चीज है जो है प्रमोशन वाली बात, इसके बारे में मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग बने रहिए। और गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कोई नया सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ता है या कमेंट करता है, तो मैं आप लोगों के कमेंट का जरूर से जरूर जवाब दूंगा। और मैं हर संडे एक वीडियो लेके आता हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है, और इस बार प्रॉमिस को मेंटेन रखूंगा। तो चलिए, अब नेक्स्ट संडे मिलते हैं, थैंक यू सो मच, पीस।